सिर्फ भाई है भाई। ओए हेलो, हाय फ्रेंड्स, अभी अभी शिवम को स्टेशन पे छोड़ के आ रही हूँ यार। तो पता है 3 बार बोला मेरे से, 2-3 बार बोला उतर जाता हूँ, नहीं जाऊँगा, उतर जाता हूँ, नहीं जाऊँगा। इनफैक्ट उस बंदे ने सुबह सुबह वो किया, फ्लाइट कैंसिल करने का कोशिश किया, तो उसमें रिफंडेबल नहीं था, मतलब रिफंडेबल नहीं था, तब भी बोल रहे क्या कि छोड़ देता हूँ फ्लाइट, नहीं जाऊँगा ये वो। उसका मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, तो मैंने बोला चलो कोई ना यार, 7 दिन के लिए तो जा रहे हो, जाओ आराम से घूम के आओ, कौन सी बड़ी बात है। अकेले एंजॉय तो करना चाहिए, लेकिन हमने कभी सीखा ही नहीं अकेले एंजॉय करने का। अब मुझे भी कल परसों निकलना है वापस से बाबा श्याम की नगरी में, तो मैं भी थोड़ा सा यार संकोचित हो रही हूँ जाने में। अकेले हम लोग का मजा ही नहीं लगता, दिल ही नहीं लगता यार। हमें एक बंदा चाहिए जिसकी हम खिंचाई कर सके। हम चारों में से कोई एक होना चाहिए, दूसरे से बात नहीं बनेगा ना। तो अभी मैं जा रही हूँ हाथ के टाका कटवाने के लिए, और मेरे साथ कोई नहीं है। देखो टाका दिलवाने कितने लोग आए थे, कटवाने कोई नहीं आया, बहुत गलत बात है। मंगल, तुम अपना ये जैकेट नहीं छोड़ोगे ना भैया? ये जैकेट के पीछे हाथ धो के पकड़ पड़ गया ये लड़का। तो वापस से हम आ गए हैं भैया के पास, और भैया पता नहीं क्या, भैया आज आपको नाइट ड्यूटी था। अरे दर्द हो रहा है, धीरे धीरे ही करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। दर्द हो रहा है, रखिए, छोड़िए आप, अब रखिए यहाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? नहीं दुखेगा, आप रखिए। दर्द कर रहा है, मतलब गुदगुदी लग रहा है, हल्का हल्का। तो रखिए ना यहाँ पहले, आप वहाँ पे रखिए, वो कट गया ना। देखिए आप आराम आराम से रहिए, उधर देखने मत कीजिए आप। निकल गया, देखिए हो गया, लास्ट था हो गया ना भैया। देखिए कार का बचा बचा नहीं है ना, बहुत छोटा छोटा था, कार छूट गया तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हमको काटना पड़ जाएगा अपने औजार से।
और पहले ही ठीक हो जाता, डॉक्टर मंगल इलाज करते इसका तो। डॉक्टर मंगल इलाज करते तो और पहले ही ठीक हो जाता। तुम्हारे वजह से ही तो हुआ है, यही लाया था नया वाला पाइप, कह रहा है इसको पकड़ के लटक तुम्हारे लिए बनाया है, लटका तो लो देखो। जाना है हमको तो, इसलिए तो कल ट्रैवल करना है, इसलिए तो कह रहा है ना, इसके चलते पट्टी करा लेना चाहिए, उसके बाद में वाइटमेंट लगाना है साफ करके इसको। कटने के बाद सब ऐसा ही दिखता है, खून निकल रहा है। यहाँ पे थे जब मेरा स्टिचेस डल रहा था तो कह रहे हैं, हमें मम्मी का हाथ पकड़े थे तो कह रहे हैं हमको बाहर जाने दो, हमको अजीब लग रहा है, हम इनको छोड़ ही नहीं रहे थे। ये क्या मटेरियल है ये लगा? ये वाइटमेंट हो गया। दाग हटाने के लिए क्या लगाएंगे? अरे दाग हट जाएगा, बीच में कुछ ही दिन तो छुट्टा था ना, हैं? बीच में कुछ थोड़ा पट्टी लूज ही रखी है, क्योंकि नहीं ये बहुत अच्छा करते हैं, हैं? यहाँ तो बोलने की जरूरत नहीं है पट्टी के सर पे। ज़्यादा मतलब क्या ज़रूरत है? देखिए ऐसा कहता है ना कि भाता भी नहीं लगे। कल कुछ परसों उसके बाद साफ करके वाइटमिन लगाइएगा, दाग खत्म हो जाएगा। भाई यहाँ पे अभी गिन्नी का जो है फाइनली पूरा मलहम पट्टी हो चुका है। हाँ सच में यार, ये मुझे ना पहले तो मुझे लगता था कि मेदांता मतलब मेदांता मैं रटती रहती थी, लेकिन सच में इस एरिया का ना बेस्ट हॉस्पिटल है ये, इतने अच्छे से किया है उन्होंने, इतने प्यार से, ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे जानते वानते थे, नहीं बहुत अच्छे से किया है उन्होंने, बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छा लगा भाई। ये हॉस्पिटल के मैनेजर हैं यहाँ के, इनके वजह से सब हो पाया है, ठीक है? मैनेजर नहीं, मेरे तीसरे भाई हैं भाई, हॉस्पिटल थिएटर में मेरे साथ गए थे भाई। ये देखो इसी हॉस्पिटल में कितनी का हाथ कब हुआ था भाई, मस्त हॉस्पिटल है, लेकिन कुछ भी कहो है बहुत, मतलब टाइम पे सब चीज कर दिया इन लोगों ने, बहुत अच्छे से। तो फाइनली मेरा जो टाका है वो कट चुका है, और सच में यार ये जो हॉस्पिटल है ना बहुत अच्छा हॉस्पिटल है यार, मतलब मैं क्या तारीफ करूं, इस हॉस्पिटल ने मुझे जीवन दान दिया है, तो मैं हमेशा जीवन भर इस अस्पताल की आभारी रहूंगी, और उस भैया की जो इस अस्पताल के मैनेजर हैं, क्योंकि उन्होंने ना मुझे बहुत संभाला है, इनफैक्ट वो मुझे ही नहीं, यहाँ पे जितने भी पेशेंट आते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से वो केयर करते हैं, तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। साला पेड़ पे आंवला देखो कैसे फला है, अबे ये क्या हो रहा है भाई, ये है क्या? अरे आप में से किसी को पता है क्या कि ये क्या है? अगर पता है तो बताइएगा जरूर। ये देख लो मैं यहाँ पे रुक गई हूँ, मुझे यहाँ से उठाना है कुछ कुछ फूल, और ये लड़का ना यहाँ रुकने को तैयार नहीं हो रहा था। अबे यार क्या बकवास है ये, बिना मतलब का, अभी 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 चार दिन पहले तो तुम्हारा हाथ ठीक हुआ है, चलो चलो चुप रहो, फूल ले रही हो, चुप रहो। हम क्या बोले, हम गलत बोले कि पहले हाथ ठीक हो जाने दो, उसके बाद लेते रहना जो भी चाहिए होगा। ओए हेलो, तेरे बोलने के चक्कर में देखो चला गया फूल वाला, बुला उसको। ये देखिए कितना निकाले, पांच निकाले हैं, एक और निकाल दीजिए। बस सारा यहाँ पे फ्लावर लिया है मैंने, गेंदा भी लिया है और ये सब भी लिया है, तो अभी चलो देखते हैं कि कितना आता है बिल इसका। ये देखो कितना सुंदर फूल है, बहुत सारा फ्लावर लिया है आज मैंने, और सच बताऊं तो घर जाके पापा से गाली सुनने को मिलेगा, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है कि हम यहाँ से फूल लें, पर फिर भी मैंने ले लिया, क्योंकि यार फूल दिखते ही ना मेरा दिल घबराने लग जाता है, मेरा मन करता है कि मैं सारा का सारा फूल उठा लूं, तो अभी ले लिया है और अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। यार मेरा बड़ा मन था यार कि केला खरीद के ले आती, लेकिन अफसोस ले ही नहीं आ पाई मैं, जरूर इनके लिए कुछ ले आऊंगी भगवान, जरूर।
यार इतना बुरा लग रहा है ना मुझे, मंगल धीरे चला यार, बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत बुरा लग रहा है यार। चना ही चना डलवा दो, कुछ भी डलवा दो यार खाने के लिए बेचारे। अगर सच में ये बाइट वाइट ना करते ना, एक ट्रक ले आती, ट्रक में भरती इनको, सबको लेके जाती, एक घर बनवाती उसमें रखती सबको। यार मेरा बहुत ज्यादा लगाव है जानवरों से सच में यार, और अभी मैं लेके आऊंगी जब नेक्स्ट टाइम इधर से जब भी निकलूंगी ना, कुछ ला करके यहाँ पे रख दूंगी, जब आएंगे ये जब आके खा लेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं कोइलवर पुल पे, और अब बहुत जल्द हम घर भी पहुंच जाएंगे। पहुंच गए हम, आज तुमको खुद से ही घर दरवाजा खोलना पड़ेगा, चलो जाओ खोलो। जा रहे, देखते हैं एक हाथ तुम्हारा कितना काबिल है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा हाथ पूरा निकम्मा हो गया। पहले इसको बंद करो, अब इस पे होल्ड करेंगे हाथ को, अब तो वैसे भी टाका कट गया है भाई। अरे यार ताला लॉक है अभी तक, हम कहाँ से खोलेंगे। ए स्पीड में लेके आ गाड़ी, मार दे। कह रहे स्पीड में लेके आ, घुसा दे। अरे जल्दी आओ, 15 कॉल कर दे, हमको क्या पता था कि अभी तक बंद ही है, बंद ही रहता है। चलो लव, ये देखो कितना प्यारा प्यारा फूल खिला है, कितना सारा खिला है, वाह। सच बताओ तो आज ठंड बहुत ज्यादा है यार, बहुत ज्यादा है। डिक्की में फूल रखा है, निकाल लीजिए। हुई हुई ठंडा ठंडा ठंडा, आज ठंड इतना ज्यादा है कि देखो आते आते मैं आग के पास बैठ चुकी हूँ। और अभी अन्ना ना खाना लेके आ रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, बहुत ज्यादा। अभी पता है 11 बज गया और मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ, तो बाकी का तो आपने वीडियो देखा ही होगा विद पांडे पे या शिवलिंग पे। मैं 4 बजे से उठ के और उसके बाद चाय भी नहीं पी के गई थी, फिर उसके बाद टाँका वाका कटवाया और अब जाके खाना खा रही हूँ। ज़्यादा नहीं लाए हो ना, रखो यहाँ पे, मेरा खाना आ गया तो मैं खाना खा लेती हूँ, खाना खाने के बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो मेरा खाना पीना हो चुका है और मैं खुश हूँ आज कि मेरे हाथ का फाइनली जो स्टिचेस था वो कट चुका है। और खुश होने का एक रीज़न, देखो दर्द तो कम नहीं है, दर्द है, लेकिन खुश इसलिए हूँ ना क्योंकि पहले ना ये जो पट्टी है ना इसमें स्टिचेस लगता था, फंस जाता था और वो दुखता था, तो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो पाता था। लेकिन अभी मैं इजीली मूव कर पा रही हूँ हाथ को, और मतलब यार 80% पेन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना बढ़ जा रहा है, तो मैं खुश हूँ, फाइनली खुश हूँ। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होंगे मेरा ये खुशी देख के, तो आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार उसके बिना रहना थोड़ा मुश्किल होता है मुझे, तो मैं मिस कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा जल्दी से। तो इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।